पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से आज बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वे अपने आवास से पूरे जुलूस की शक्ल में पटना समाहरणालय तक पहुंचे और वहां विकास भवन में जो एडीएम का कक्ष है, जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के लिए जिन्हें निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है, उनके कक्ष में पहुंचे और वहां पर अपना नामजदगी का पर्चा जो है वो दाखिल किया है। रामकृपाल यादव के साथ बीजेपी के कई विधायक, बीजेपी के कई बड़े नेता, एनडीए जो जेडीयू और एलजेपी के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद थे और रैली की शक्ल में सैकड़ों लोगों के साथ वे पटना गांधी मैदान स्थित समाहरणालय जो विकास भवन है वहां पर पहुंचे और उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के पर्चा दाखिल करने के बाद एक जनसभा है। जनसभा में बिहार बीजेपी सहित एनडीए के कई बड़े नेता, जिसमें सुशील मोदी से लेकर के अन्य जो नेता हैं, वे मौजूद रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी रामकृपाल यादव ने आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था और बीजेपी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया था। उस चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी और एक बार फिर से दोबारा जो है यहाँ से मैदान में है। पाटलिपुत्रा के चुनाव में वे एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी उनकी लड़ाई जो है वो मीसा भारती से है। मीसा भारती पिछले चुनाव में वे हार गई थी, रामकृपाल यादव जीत गए थे, लेकिन इस बार एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। मीसा भारती भी आज नॉमिनेशन करने वाली हैं, कुछ देर के बाद वे अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल करेंगी और वे भी एक जनसभा करेंगी। तो पाटलिपुत्रा की लड़ाई जो है एक बार फिर से मीसा भारती और रामकृपाल के बीच होने वाली है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।